बॉलीवुड में जितने भी बड़े स्टार्स हैं सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन नवाज साहब को लगा यार कि मेरे पास एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, तो पहुंच गया जाके बैंक में कार लोन लेने के लिए। और जो बैंक में मैनेजर है वो नसीर साहब हैं। सिचुएशन देखी वहां पर कैसे भी, नसीर सबसे पहले नवाज बाबू पहुंचे नसीर साहब के पास। सलाम साहब। साहब मेरे को एकदम मस्त गाड़ी लेने का साहब। माँ कसम इतने दिन से लगातार काम कर रहा है लेकिन मेरे को गाड़ी लेने का साहब। भाई जिसे गाड़ी लेनी है उसे भेजो, यानी कि अपने साहब को भेजो। साहब मैं साहब हूँ। भाई लगता तो नहीं है, वैसे गाड़ी लेने के लिए बहुत चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन पेपर भी चाहिए होते हैं। आप बोलो ना साहब मेरे को, कल सुबह से लो मैं हिंदी मराठी बंगाली सबका न्यूज़पेपर डाल के जाता ना सुबह साहब। भाई देखिए गारंटर भी चाहिए होता, अगर कोई तुम्हारी गारंटी ले ले तो हम तुम्हें गाड़ी दे देंगे। साहब बॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार्स को जानता है मैं। अभी कॉल करता है ना, अभी देखता है ना, सबसे पहले कॉल करते हैं संजू बाबा को। बाबा को कॉल करते हैं। अब घंटी जा रही बाबा स्टाइल में। बाबा मैं नवाज बोलता है। अरे कैसा रे नवाज शरीफ। अरे सुना है रे वो तेरा गद्दी विद्दी छीन गया, बड़ा टेंशन इंशन चल रहा है रे। अरे साहब मैं नवाजुद्दीन बोलता, नवाजुद्दीन। अच्छा अजरुद्दीन। साहब मैं नवाज बोलता है, बाप का दादा का भाई वो वाला नवाज। अच्छा रे, अरे कैसा रे नवाज। बाबा माँ कसम बहुत परेशान चल रहा है बाबा। बाबा मेरे को कार लोन लेने के लिए अपना गारंटी चाहिए बाबा। अरे क्या बात कर रहे रे, यहाँ साला कोई मेरी गारंटी नहीं ले रहा, मैं तेरी गारंटी कैसे ले लूं। अब एकदम परेशान, मेरे को लगता है मेरे को किसी बच्चन साहब को कॉल करता है ना, बच्चन साहब को। अभी उन्होंने बच्चन साहब को कॉल किया, बच्चन साहब के पास घंटी जा रही है। आए 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 बच्चन साहब। साहब मैं नवाज बोलता है। साहब मैं बैंक पे आया, सुबह से मेरे सर में दर्द हो गया, ये मेरे को लोन नहीं दे रहा। अरे भाई साहब आए। अरे अरे देखिए देखिए देखिए, आपको जो है परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, हमारा वाला जो ये ठंडा तेल है, आए आए हाँ इसको लगाइए, आपको जो है सर दर्द दूर हो जाएगा। मैंने अभी भी अभिषेक को भी लगाया, अभी सोया है यहाँ। आप जैसा बात कर रहा है ना, मेरे को लगता नहीं कि भगवान का मेरे ऊपर कृपा होगी। अरे ये लीजिए लो, कर लो बात। अरे हमारी वाली अगर बत्ती घुमाइए तो फिर आप भगवान के सामने आपकी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाएगी। साहब मेरे को लगता है कि आपका प्रोडक्ट खत्म नहीं होगा, लेकिन मेरा टॉक टाइम खत्म हो रहा है, मैं क्या करूं। क्या करूं मैं, किसको कॉल करें, कौन आदमी। मां कसम डेनिस साहब को कॉल करता। साहब मैं नवाज बोलता है। साहब मेरे को कार लोन लेने के लिए आपका गारंटी चाहिए। गाड़ी के पीछे भागने वाले कुत्ते। साहब मां कसम मेरे को लोन देना दो नहीं देने का, लेकिन मेरे को ये गाली वाली नहीं चाहिए। बुरी बात तो सुन लिया कर, गाड़ी के पीछे भागने वाले कुत्ते तो कैसे मैनेज करेगा। इस साला लाइफ में इसका एम्पलीफायर खत्म नहीं हो रहा, फड़के नहीं निकलता, मैं क्या करे, किसको कॉल करे। अब इनको लगा किसको कॉल करे, अब शाहरुख खान साहब को कॉल किया। शाहरुख खान साहब की घंटी जा रही है। क्या बात है, शाहरुख खान साहब ने फोन उठाया। बहुत परेशान है साहब, मेरे को अपनी गाड़ी के लिए आपका गारंटी चाहिए। शाहरुख खान साहब, मेरी अम्मी जान कहा करती थी लुंगी अलग से धोया करो, साड़ी में रंग आ जाता है। साहब आप कुछ नहीं करेगा साहब, मैं बहुत परेशान। मां कसम क्या करें। अब उन्होंने पैसे जमा करके कुछ पैसे इकट्ठे किए, गुल्लक में जमा किए थे। उनको बोले साहब मेरे को कोई देता है कि नहीं देता, लेकिन मेरे पास ये गुल्लक है, मैं इसको फोड़ के मैंने अपनी सेविंग इकट्ठा की है, जो भी आएगा मैं ले लेगा साहब। उन्होंने पकड़ के फोड़ा, जब गिना गया तो 75,000 निकले। बोले साहब
75,000 निकला क्या करेगा भाई, इन 75,000 रुपए में तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। इसमें तुम एक ऑटो लेना। उन्होंने ऑटो लिया। दादर का, घाटकोपर का, वर्सोवा का, कांदेवाली का रहे, सबका भाड़ा लेकर तेरा पैचल।